मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए खासकर उनको मिल गया होगा। जो ये फैसला लिया गया है अग्निवीर के बारे में, आर्मी के सब लोगों से कंसल्ट करके ही लिया गया है। आपने अचार डाला है तो चार महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार, स्वाद नहीं आ रहा है। देखिए ये मौका, ये जगह और रजत जयंती का मौका और ये कर्म भूमि, तो यहाँ से जो आवाज जाएगी तो उसमें बड़ी ताकत होती है और वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए खासकर उनको मिल गया होगा, क्योंकि हम शांति चाहते हैं लेकिन आतंकवाद नहीं चाहते, और उसको खत्म करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है और करेंगे। मोदी साहब ने जो एक संदेश दिए कि जो हमारे नवयुवक हैं 20 से 30 इयर्स के जवान, वो जो कारगिल वार में उन्होंने देखा है कि जो अफसर साहबान, जेसीओ साहबान और जवान जो 20 से 30 इयर्स के बीच में थे एडल्ट, उन्होंने जो जोश, जुनून, लीडरशिप, जिस तरह की कार्रवाई किए हैं बॉर्डर के ऊपर, वो एक मिसाल है और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। नहीं, अग्निवीर एक एडल्ट लोगों के लिए जो बाकी देशों में है उस तरह से हमारे देश में भी हो तो अच्छा ही होगा। सो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाइड इट वेरी वेल, आई डोंट थिंक आई वुड हैव एनीथिंग एल्स टू से टू इट। इट डजंट रिक्वायर एन एक्सप्लेनेशन बिकॉज द पीएम सेड दैट इट्स अ डिसीजन टेकन बाय द आर्म्ड फोर्सेस। नाउ आई रिटायर्ड 12 इयर्स बैक एंड ऑल दिस हैज हैपेंड पोस्ट माय रिटायरमेंट एंड आई बिलीव इन अ वेरी फर्म प्रिंसिपल that I did my bit when I was serving. Now is a chance for our youth who are taking over those reins from us to serve the country the day we did, and we have to have confidence in them, and I believe the younger generations always outwit the older ones, they do better. But the opposition always sees that see the proof of the pudding lies in its eating. Ye sab conjectures hain, ye program ko fructify karne dijiye, logon ko service mein jaane dijiye, जब वो रिटायर होंगे जैसे ही उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो चार महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही खाएंगे तो बोले कच्चा यार, स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन व्हेन इट इज टाइम राइपेंड इट, लेट द फ्रूट राइपन, यू विल लव इट। सो गिव द स्कीम अ चांस एंड लाइक द प्राइम मिनिस्टर सेड, इट्स अ डिसीजन बाय द आर्म्ड फोर्सेस। The politicians have endorsed it. The government of the day has endorsed it, and the country is accepting it. So, I don't think there's much for me to explain on that. Pradhan Mantri ki main bahut izzat karta hoon. Jo ye faisla liya gaya hai Agnivir ke baare mein, army ke sab logon se consult karke hi liya gaya hai. Aur aapko main ye bata dun ki maine 71 war mein bhi hissa liya hai, aur 99 war mein bhi. To 71 war mein usse pehle bhi हमारे सोल्जर्स जो थे उनका 7 साल का टेन्योर होता था और 8 साल का उनका कलर सर्विस होता था, 8 साल का कलर सर्विस होता था, 7 साल रिजर्व का होता था, तो 8 साल के बाद वो रिटायर हो जाते थे और 7 साल उनकी जो रिजर्व सर्विस थी उसमें उनको बुला सकते थे। 71 वॉर में हमने बहुत रिजर्विस्ट बुलाए थे तो वो उन्होंने हमारी काफी मदद करी थी, तो अग्निवीर को उस निगाह से भी देखा जाए तो गलत नहीं है। अभी नई स्कीम है, इसको रिव्यू किया जा सकता है, ट्रायल बेसिस पर है, किस तरीके से आगे इसको, इसका क्या एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो अभी समय बताएगा देखने में। तो आर्मी से फीडबैक लेंगे और फिर उसको आगे कैसे करना है। पेंशन वगैरह की लोड पड़ रहा है, ये वो पॉलिटिकल बातें हैं, मैं इसके बारे में ना तो कुछ जानता हूं ना कुछ कहूंगा, क्योंकि मैं कच्चा कमेंट नहीं देना चाहता।